गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 3.4 पढ़ने वाले हैं। क्लास 4 का साइंस है ये, मैपिंग आवर नेबरहुड चैप्टर का ये नाम है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे देखते हैं तो चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, मैपिंग आवर नेबरहुड। ठीक है, नेबर का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, है ना। जैसे इस चैप्टर में हम लोगों को देखना क्या है कि जिस तरह से हम लोग अपने घर से निकलते हैं तो एक डायरेक्शन होता है ना कि हाँ हम लोग को ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, तो किधर से जाएंगे तो हमारा रास्ता नज़दीक पड़ेगा। इस तरह का जो मैपिंग या फिर उसको कह सकते हैं डायरेक्शन, हम लोग को यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा, जब हम लोग चल रहे होते हैं तो कौन सा डायरेक्शन हमारे पीछे होता है, बाएं साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है, दाएं साइड में कौन सा डायरेक्शन होता है, मतलब कि हमारा राइट हैंड किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है, मॉर्निंग किस हमें सन जो है वो जो है वो किधर होता है, ईस्ट में या वेस्ट में, तो ये सब डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे फिगर है, कुछ फिगर को अगर देखें आप तो मैपिंग आवर नेबरहुड, ठीक है, ये टॉपिक क्या है, मैपिंग आवर नेबरहुड कह रहा है क्या, लुक एट द पिक्चर्स गिवन अलॉन्ग साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मार्केट है, यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन कह लीजिए, है ना। तो ये क्या है, इट शोज राहुल्स हाउस एंड हिज नेबरहुड। ठीक है, मतलब राहुल का घर और उसके आसपास का जो एरिया है, जैसे मान लीजिए कोई गुलाब बाग में रहता है तो गुलाब बाग में वो बता सकता है कि आप अगर इस डायरेक्शन में चले जाओ तो ये मिलेगा, आप इस डायरेक्शन में चले जाओ तो वो मिलेगा, रोड के राइट साइड जाओ तो ये मिलेगा, रोड के लेफ्ट साइड जाओ तो ये मिलेगा, थोड़ा दूर आगे बढ़ो तो शहरी हॉल्ट मिलेगा, थोड़ा पीछे बढ़ो तो मेन रोड मिलेगा, इस तरह से जो बताया जाता है, ये क्या हो गया उसका नेबरहुड, मतलब क्या उसके आसपास, उसके घर के आसपास का जो एरिया है वो किस तरह का है, ये कैसे है, वो उसका नेबरहुड को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, देयर आर मेनी प्लेसेस इन हीज नेबरहुड। ठीक है, उसके मतलब किसके, राहुल के नेबरहुड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, सच एज पोस्ट ऑफिस, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल, ETC। ठीक है ना, मतलब क्या उसके घर के आसपास हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, स्कूल है, टेंपल है, ये सारे चीज़ आसपास, इवन सभी के घरों के आसपास ऐसा मिल ही जाता है। यहाँ राहुल का नाम लिखा है इसलिए हम लोग राहुल पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दो तो आपके घर के आसपास भी कुछ मार्केट्स होंगे, अगर आप पोस्ट ऑफिस के बगल में रहते तो पोस्ट ऑफिस होगा, बैंक होगा, ठीक है, प्लेग्राउंड होगा, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, तो इस तरह से सभी के घरों के आसपास उनका एक जो नेबरहुड होता है, मतलब उनका जो एक आसपास का एरिया जो होता है वो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों से घिरा भरा होता है। ठीक है, बाई गोइंग टू दीज प्लेसेस ही नो देयर लोकेशन, बट वाट हैपन इफ ही वांट्स टू गो टू प्लेस विच ही हैज़ विजिटेड बिफोर। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपके घर के आसपास अगर आपको जाना हो तब तो आप बहुत ही आराम से जा सकते हो, क्योंकि वो आपके आसपास का जगह है जहाँ कि आप हमेशा जाते रहते हो, तो इसलिए आपके लिए वो जाना कोई कठिन कार्य नहीं है। पर वह उन स्थिति में क्या होगा, जब आपको कहीं अननोन जगह जाना हो, जैसे मान लीजिए कि आप बाढ़ में रहते हो और आपको पटना जाना है, ठीक है, और आप पटना कभी नहीं गए तो कैसे जाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके फादर होंगे या फिर आपके कोई घर में जो बड़े होंगे वो आपको बताएंगे क्या कि हाँ रेलवे स्टेशन से उतरना है तो थोड़ा दूर आगे बढ़ोगे तो ऑटो मिलेगा, तो ऑटो पकड़ेंगे फिर इस तरह जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक गाइडलाइन मिलता है, मतलब वो जो गार्जियन है आपको गाइडलाइन करेंगे या फिर आपको इंडिकेट करेंगे, है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या है, डायरेक्शन शो करना, मतलब कि आपके गार्जियन होंगे या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि हाँ जैसे ही आप उतरोगे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ऑटो मिलेगा, ऑटो पकड़ोगे, ऑटो पकड़ करके आप जहाँ जाना है वहाँ पर जाओगे, फिर वहाँ उतर के अपना काम करोगे। ठीक है, या फिर अगर बाढ़ की बात करें तो आप अगर अपने घर से निकलते हो, मान लीजिए कोई गुलाब बाग का ही बच्चा है, वो अपने घर से निकलता है तो क्या होता है कि वो अपने घर से निकलता है, मेन रोड पे आता है, मेन रोड से थोड़ा दूर आगे बढ़ता है तो फिर वहाँ पे स्कूल का बोर्ड दिखता है, वहाँ से टर्निंग लेता है और वो फिर स्कूल वाले गेट के पास पहुँचता है और फिर स्कूल को प्रणाम करता है और फिर वो अंदर आता है। तो ये हो गया, तो मतलब ये क्या है, सारे डायरेक्शन है, तो सेम उसी तरह यहाँ पर देखिए
ये एक क्या है मैपिंग किया हुआ है ना, ये रोड है, ये एरिया है, जिस तरह से वो क्या होगा आसपास की जगहों पे जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटल जाना हो, ठीक है, तो हॉस्पिटल जाएगा, ये राहुल का होम हो गया। अगर हॉस्पिटल जाना हो तो यहाँ से आएगा और इधर चला जाएगा, और यहाँ से जाएगा हॉस्पिटल चला जाएगा। अगर मार्केट जाना हो तो यहाँ से आएगा, हॉस्पिटल के टर्निंग पास से इधर हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस जाना है तो यहीं डायरेक्ट सामने है उसके घर। उसके बाद टेम्पल जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यहाँ चलाएगा। स्कूल जाना तो इधर चलाएगा। तो ये क्या है, उसका पूरे एरिया का मैपिंग है ना, मतलब रास्ते का जो है मैप बनाया गया है पूरा। उसका जो राहुल का घर है, उसके आसपास का जो नेबर रोड है, वो इतने में सिमट कर रहता है जहाँ पे वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह हम लोगों के में आसपास भी यही होता है, जहाँ पे बहुत सारे मार्केट होते हैं, मंदिर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग को आना जाने का काम करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रोड हम लोग उसका यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ अननोन होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, हम लोग मैप का यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, द बेस्ट वे टू रिमेंबर सच प्लेसेस इज टू लुक फॉर सम लैंड मार्क सच एज अ स्कूल, हॉस्पिटल, अ बिग ट्री, साइन बोर्ड, टॉल बिल्डिंग्स, पार्क, टेम्पल, मॉन्यूमेंट, ETC, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे देखते हो साइन बोर्ड लगा होता है कि इतना किलोमीटर, या फिर यहाँ से टर्न करना है, यहाँ से लेफ्ट जाना है, यहाँ से राइट जाना है, या फिर आप जब किसी को अपना एड्रेस बताते हो स्कूल का, तो क्या बताते हो कि जब आप गुलाब बाग से आगे बढ़ोगे तो एक बड़ा सा पेड़ है, वहीं पे एक टर्निंग है और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो ये सब क्या है, एक इंडिकेशन है ना, जहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि वो एरिया पे हम लोग पहुँचने वाले हैं, या जिसको कह सकते हो आप लैंडमार्क। लैंडमार्क का रेफरेंस और पॉइंट्स दैट हेल्प्स अस टू लोकेट अ प्लेस वी वॉन्ट्स टू रीच। ठीक है, मतलब किसी लैंडमार्क की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम लोग को पहुंचना होता है। आई स्केच इज अ ड्राइंग ऑफ प्लेस। ठीक है, स्केच मतलब क्या, रफ डायग्राम। ठीक है, आई स्केच इज अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, इट यूजली हैज अ सिम्बल टू रिप्रेजेंट इम्पॉर्टेंट प्लेस। ठीक है, अभी जैसे इस फिगर में हम लोग देखे क्या, क्या ये रफ स्केच है जहाँ पे ये बता रहा है कि ये राहुल का घर है, और यहाँ से अगर टर्न लेते हैं तो इधर इधर हॉस्पिटल चले जाते हैं और इधर मार्केट प्लेस चले जाते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, उधर से आते हैं तो कहाँ, स्कूल, और यहाँ से फिर टेम्पल। तो ये क्या है, स्केच है। ठीक है, जो कि रफली उस डायग्राम को डिनोट करते हैं। अब जब यहाँ पे आते हैं, आई स्केच इज ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, इट इज़ यूजली हैज इट यूजली हैज़ अ सिम्बल टू रिप्रेजेंट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि हम लोगों को कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा दूर आगे जाइए और थोड़ा वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाइएगा, या ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस फिगर में क्या है, वो इंडिकेट किया गया है कि इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बॉय खड़ा है ना, ये जो बॉय है उसका हैंड जो है वो किधर है, इस डायरेक्शन का है। कौन सा हैंड, तो राइट हैंड, और ये लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि फॉरवर्ड जो होगा वो हमारा अप डायरेक्शन में नॉर्थ हो जाएगा, साउथ नीचे हो जाएगा, वेस्ट अप का लेफ्ट हैंड और ईस्ट अप का राइट हैंड। तो चलिए इसको देखते हैं कि वाटर डायरेक्शन, वाटर डायरेक्शन, स्ट्रेच योर आर्म्स इन सच अ वे दैट योर राइट आर्म्स पॉइंट टूवर्ड्स द मॉर्निंग सन। ठीक है, मतलब फिगर में देखिए कि आपका राइट हैंड जो है वो कहाँ होना चाहिए, सूर्य की तरफ होना चाहिए। फिर योर राइट आर्म्स इंडिकेट्स ईस्ट एज द सन राइजेज इन ईस्ट, राइट हैंड किधर होगा, ईस्ट की तरफ। योर लेफ्ट आर्म्स इंडिकेट अ वेस्ट, ठीक है, लेफ्ट आर्म कहाँ हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। नॉर्थ इज द फ्रंट ऑफ, ठीक है, एंड साउथ इज बिहाइंड यू। अब जैसे यहाँ पे इस फिगर को देखें तो इस डायरेक्शन इधर हो गया, वेस्ट डायरेक्शन ये हो गया, और नॉर्थ जो है वो फ्रंट साइड में है, और जो आपका साउथ है वो आपका बैक साइड में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया बैक साइड, और ये हो गया फ्रंट साइड। ठीक है, तो ये चार डायरेक्शन हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देर आर फोर मेन कार्डिनल्स डायरेक्शन। अब जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावे कुछ ऐसे डायरेक्शन है जिसको कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके बाद देर आर फोर सब डायरेक्शन, जैसे कि इंटर कार्डिनल डायरेक्शन एज वेल,
नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो क्या है, फोर मेन डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके बाद फिर सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन में आपका कौन सा आ गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया और साउथ वेस्ट हो गया। जबकि मेन डायरेक्शन में आपका कौन सा हो गया, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब व्हाट इज़ मैप, यहाँ तक पता चला क्या कि डायरेक्शन क्या है, का डायरेक्शन दो, कार्डिनल एक सब डायरेक्शन, तो एक मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, और जो मेन डायरेक्शन हो गया वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा। व्हाट इज़ मैप, मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया, ठीक है, एरिया और पार्ट ऑन इट ऑन अ सरफेस लाइक ए पेपर, ठीक है। मैप क्या है, तो पेपर पे जो हम लोग फिगर बनाते हैं वो मैप हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पेपर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को स्कूल को शो करना है, तो ये रफ डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे ये क्या कहलाएगा, मैप कहलाएगा, ठीक है। तो अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑफ इट ऑन अ सरफेस लाइक अ पेपर, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस, ठीक है। तो मैप क्या है कि पेपर पे जो हम लोग एरिया बनाते हैं, सरफेस बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका मैप कहलाता है। और मैप का जो बुक होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ मैप्स जिसमें होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, ठीक है। तो एटलस क्या हो जाएगा, अ बुक ऑफ मैप इज़ नोन एज एटलस, याद रखेंगे हम लोग, अ बुक ऑफ मैप इज़ नोन एज एटलस, ठीक। अब मैप शोज डिफरेंट कंट्रीज, रिवर, माउंटेन, ओशन, डिजर्ट, ETC, ठीक है। The scale of map helps us to find distance between two places. Using the scale, we can measure the distance between two point. ठीक है, अब जैसे स्केल से हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है ना, लंबाई ना अपना, मतलब क्या हो गया उसका मेज़र करना कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। इसके बाद a scale is always given in the corner of the map. ठीक है, स्केल हमेशा कॉर्नर, जैसे आप मैथ में पढ़े होंगे वो बॉक्स बनाने वाला, ठीक है, इस तरह करके रहता है जहाँ पे सर्कल डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यह क्या लिखा, यहाँ मान लीजिए 2 है और ये कितना है, 3 है, और ये कितना है, 2, तो ये कितना हो गया, 232 है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे, तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि स्केल क्या है, कि स्केल क्या करता है, दोनों के बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अगला है साइन एंड सिंबल, साइन एंड सिंबल मतलब क्या, अब जैसे मान लो कि कोई बोर्ड है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ बच्चे का फोटो बना हुआ है और वो बैग लिए हुए है, तो क्या समझ में आएगा कि आगे स्कूल है ना। अब कुछ ऐसा फिगर हो जहाँ पे ऐसे बोर्ड लगा हो और रेड कलर से वाइट कलर का प्लस बना हो, मतलब क्या है, आगे हॉस्पिटल है, ठीक है। अब कुछ ऐसा बोर्ड हो जिसमें कि ऐसे करके कंकाल का बना हुआ, स्केलेटन बना हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, डेंजर का होगा, खतरा का, देखते हो ना, पॉल वगैरह में लगा होता है, ट्रांसफार्मर के नीचे लगा होता है, तो ये सब क्या है, साइन है, ठीक है, सिंबल है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि आगे कुछ है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस पता करना है तो लिखा रहता है ना कि 10 किलोमीटर, तो पता चल जाता है कि आगे का कितना है, 10 किलोमीटर दूर है, या लेफ्ट का डायरेक्शन होता तो पता चलता है कि आगे से बायां मुड़ना है ना, या फिर आगे डेंजर का निशान बना होता तो हम लोग पता ना कि ये गलत चीज़ है, इसको छूना नहीं है क्योंकि ये खतरे का निशान है। तो मैप क्या कहता है, मैप्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव एज दे शो अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, क्या लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स शो करता है, कौन, मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंशन नेम ऑफ ऑल रिवर, माउंटेन्स एंड सिटीज, सो वी यूज साइन एंड सिंबल, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप यहाँ से ये स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन है और ये आपका घर है, होम है, तो अब क्या यहाँ से आप निकलोगे तो आप किसी को बताते हो रास्ता कि हाँ ऐसे ऐसे जाना है स्टेशन, काजी चौक होते हुए ऐसे स्टेशन चल जाना, यहाँ से रास्ता सवेरा से यहाँ स्टेशन भुवनेश्वरी चौक होकर के चल जाना, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप ऐसे सिंबल बना होगा कि ये रास्ता कहाँ चल जाएगा काजी चौक, ये रास्ता कहाँ चल जाएगा भुवनेश्वरी चौक, यहाँ से चाह चल जाएगा बख्तियारपुर, इधर से चलेगा स्टेशन, तो ये क्या है, साइन एंड सिंबल है, ठीक है। अब देखिए साइन एंड सिंबल का फिगर कैसे कैसे बना हुआ है, तो जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या है, कॉमन साइन एंड सिंबल, जैसे ये देखिए टर्निंग है, टर्निंग का बना हुआ है, अब देखिए हॉस्पिटल का है ना, फिर टर्न किए, अब यहाँ पे आती है क्या, बारबर का शॉप है ना, अब यहाँ पे पी लिखा हुआ मतलब पार्किंग का है, फिर यहाँ से गए
थिएटर का देखिए बना हुआ है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं सिंबल है। अब जैसे मान लीजिए इस फिगर को देख कर कोई भी समझ सकता है खाने पीने का जगह है ना। तो ये क्या है, साइन एंड सिंबल है, जिसको देख करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हॉस्पिटल के लिए सिंबल, स्कूल के लिए सिंबल, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए सिंबल, पार्किंग के लिए पी है, अट्रैक्शन के लिए आपका ये हो गया, टेंपल के लिए हो गया, रिवर एंड ब्रिज के लिए, पार्क के लिए, होटल के लिए और क्रॉसिंग चौक के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है ना, तो ये क्या है, क्रॉसिंग चौक के लिए सिंबल है। तो इस तरह से हम लोग क्या है इस चैप्टर को कंप्लीट किए, जिसका नाम क्या था आपका, मैपिंग आवर नेबरहुड। मतलब हम लोग हमारे आसपास जो है वो किसी भी एरिया को मैप में कैसे डिनोट करते हैं। तो मैप क्या हो गया, रफ डायग्राम हो गया किसी भी एरिया का, ठीक है। और कलेक्शन ऑफ मैप को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। मतलब एटलस के क्या हो गया, मैप का बुक हो गया, ठीक है। जिसमें हम लोग ये देखें कि इस डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्शन, में ये देखें कि चार डायरेक्शन होते हैं, मेन डायरेक्शन, इसके सब डायरेक्शन होते हैं। फिर एटलस क्या होता है ये देख लिए। इसके बाद साइन एंड सिंबल्स, साइन एंड सिंबल्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, मतलब जब हम लोग टूर ये रोड पे में चल रहे होते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे सिंबल्स दिखते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जगह इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस तरह क्या है, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर हो गया, ये हो गया तो आपका हॉस्पिटल का हो गया, या फिर अट्रैक्शन सेंटर हो गया, है ना। तो ये क्या है, साइन एंड सिंबल क्या करता है, मैप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद फिर स्केल देखिए, स्केल का काम क्या है कि डिस्टेंस बताना, किसी भी दो एरिया के बीच का डिफरेंस को बताने के लिए स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज हम लोग कर लेंगे और आपको फिर एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। तो आपका काम क्या है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर को एक बार अपनी खुद से पढ़ोगे और फिर आपको इसका एक्सरसाइज बनाकर पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।